हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमी के सीजन 3 का 16th एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है। पहले टेस्ट में एग्जामिनीज को अपने 3 टारगेट लगाने हैं और अगर सभी टारगेट हिट हो जाते हैं तो वो आउट। जो पहले 100 लोग दिए हुए बॉल को 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को हिट करेंगे वो टेस्ट के अगले राउंड में जाएंगे। और यहाँ ऑडियंस सेक्शन में जोक आइजावा से बोलती है, अगर तुम इस साल के अपनी क्लास को पसंद करते हो तो तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए था कि शुरुआत में क्या होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि टेस्ट स्टार्ट होते ही सभी यूए पर अटैक करने लगते हैं और यूए के स्टूडेंट्स उन बॉल को डॉच करने लगते हैं। और हमें आइजावा की आवाज़ आती है, इसका रीज़न कि मैंने उन्हें नहीं बताया क्योंकि मेरे बताने से भी वो बदलेगा नहीं जो वो पहले से ही करते हैं। उन्हें चीज़ों को ओवरकम करना है। एक हीरो वो होता है जो बुरे सिचुएशन को बदल दे। और जब वो प्रो बनेंगे तब भी उनके कोर को लोग पहले से ही जानते होंगे। मुझे माफ़ करना मगर हम सभी से आगे देखते हैं। और जो पूछती है, इरेजर वो उस ऑर्डर में पास होंगे जिस ऑर्डर में वो फिनिश करेंगे। तो सभी ये सोच रहे हैं कि जो पहले अटैक करेगा वो जीतेगा, मगर ऐसा नहीं है, है ना। जिस पर आइजावा बोलते हैं, नहीं लगता है ये गेम टीम वर्क और कोऑपरेशन का है और साथ ही उनके इन्फॉर्मेशन गैदर करने की एबिलिटी का। अगर वो पहले 100 सुनकर अट्रैक्ट हो गए हैं और वो पॉइंट के लिए जल्दी कर रहे हैं तो इन्हें गेम को पलटना होगा। और माकाबे बोलता है, वो रिपेल कर रहे हैं ऐसा क्या। और शिंडो बोलता है, मुझे लगता है हमें इस बात पर सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि यूए कुछ ऐसा नहीं कर सकता। और माकाबे बोलता है, मुझे लगता है कि मैं अब देख सकता हूँ। और ये बोलकर वो उन बॉल्स को पत्थर में बदल देता है। और तभी प्रेजेंट माइक बोलते हैं, कित्सुबित्सु अकेडमी सेकेंड ईयर शिकुई माकाबे क्वार्क स्टिफिंग। ये चीज़ों को सुपर हार्ड बना सकता है मगर ये किसी लिविंग चीज़ पर काम नहीं करती। और माकाबे वो बॉल टोटोकी को देता है और टोटोकी बोलता है, यहाँ से मैं संभाल लूँगा मगर शायद यहाँ तुम सबके लिए ख़त्म होता है। और वो अपना कॉर्क यूज़ करते हुए बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे जाने दोगे क्योंकि तुम लोग कम हो। और ये बोलकर वो बॉल को फेंकता है और बोलता है, बूमरैंग सर्टेन मून ट्रेजेक्ट्री टारगेट डिटरमाइन कर लिया गया है क्योंकि उनकी ट्रेजेक्ट्री ज़मीन के अंदर छुपी है, तुम लोग रिएक्ट नहीं कर पाओगे। और हमें प्रेजेंट माइक की आवाज़ आती है, कित्सुबित्सु अकेडमी सेकेंड ईयर इतजिरो टोटोकी कॉर्क बूमरैंग। ये अपने हाथ में रखकर किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ट्रेजेक्ट्री पर थ्रो कर सकता है और ये उन्हें अंडरग्राउंड भी थ्रो कर सकता है। और यहाँ मिडोरिया उन बॉल को ढूंढते हुए बोलता है, आखिर वो है कहाँ। तभी जीरो बोलती है, पीछे हटो मैं संभालती हूँ। और ये बोलकर वो ईयरफोन जैक को ग्लव में कनेक्ट करके साउंड एम्पलीफिकेशन का यूज़ करती है जिससे वहाँ की पूरी ज़मीन टूट जाती है और टोटोकी और नागागामे गिरने लगते हैं। तभी वो बॉल मिनीटो को हिट करने ही वाला होता है मगर आशिडो एसिड वेल की मदद से उसे जला देती है। और मिनीटो बोलता है, थैंक्स ये कमाल का था। जिस पर आशिडो बोलती है, ये एक डिफेंसिव मूव है। और ये देखकर जोक बोलती है, तो उन्होंने अपने अल्टीमेट मूव ख़त्म कर लिए हैं ऐसा क्या। और आइजावा बोलते हैं, बिल्कुल। और यहाँ तोकोयामी ब्लैक एबिस का यूज़ करता है। तभी मिडोरिया मन में बोलता है, ये बोलना आसान है और काफ़ी कूल भी। और तोकोयामी नागागामे पर अटैक करता है मगर नागागामे जल्दी से अपनी ही बॉडी में छुप जाती है और बोलती है, ये काफ़ी स्ट्रांग है। और हमें प्रेजेंट माइक की आवाज़ आती है, कित्सुबित्सु अकेडमी सेकेंड ईयर तातामी नागागामे कॉर्क टेलीस्कोप। ये अपनी बॉडी को खुद में किसी टर्टल की तरह फोल्ड कर सकती है। अगर तुम रात में से किसी रोड के किनारे देखो तो तुम बेहोश भी हो सकते हो। और शिंडो बोलता है, मैं समझ गया, ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाली क्लास ए नहीं है, ये काफ़ी ग्रो हो गए हैं। और यहाँ मीरा एंकरिंग करते हुए बोलता है, अभी भी सभी कोऑर्डिनेट्स में स्टेलमेट्स हैं, किसी ने भी अभी तक पास नहीं किया है। अगर हमें कोई रिपोर्ट मिलेगी तो मैं इसी ब्रॉडकास्ट एरिया से अनाउंस करूंगा। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है, कोई पास नहीं हुआ, जो टारगेट सभी ने पहना है, दूसरे शब्दों में उनका वीक पॉइंट, सभी उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए लड़ रहे हैं तो बिना सोचे बॉल को थ्रो करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हर कोई अभी भी वेट एंड सी स्टेज में है, सभी अपने अपोनेंट के वीकनेस को देख रहे हैं और वो ये भी देख रहे हैं कि वो अपने कॉर को कैसे यूज़ करते हैं। लड़ाई यहाँ से स्पीड पकड़ने वाली है। और यहाँ जोक बोलती है, हम सभी से आगे का सोचते हैं, ये काफ़ी कंडिसेंडिंग है इरेजर, यहाँ उतने बच्चे हीरो बनना चाहते हैं जितना आसमान में सितारे, उनके विल का स्ट्रेंथ का फेमस होने से कुछ लेना देना नहीं है। अगर तुम इस तरह से एक्ट कर रहे हो कि तुम शो के स्टार हो और सभी को नीचे दिखाओगे तो शायद तुम लोग हो जिनके ऊपर गेम पलटने वाला है। और तभी यहाँ शिंडो ट्रिमिंग अर्थ का यूज़ करता है जिससे यूए के स्टूडेंट्स के नीचे वाली ज़मीन टूटने लगती है और वो उसमें गिरने लगते हैं। और शिंडो बोलता है, हमारे पास भी अल्टीमेट मूव्स हैं। और हमें प्रेजेंट माइक की आवाज़ आती है, कित्सुबित्सु अकेडमी सेकेंड ईयर यो शिंडो क्वार्क वाइब्रेशन। ये किसी भी चीज़ को छूकर उसे वाइब्रेट कर सकता है मगर वाइब्रेशन का आफ्टर शॉक इसकी बॉडी में ट्रांसफर होता है जिससे ये मूव नहीं कर पाता। और यहाँ दूसरी तरफ एक स्टूडेंट शिंडो के पावर को देखकर बोलती है, ये कैसा क्वार्क है। और दूसरा बोलता है, ये किस स्कूल से है। तभी थर्ड स्टूडेंट आती है और बोलती है, फोकस मत खो,
एनिमी पास है। और यहाँ मीरा बोलता है, अब तक तो 2 या 3 पास हो जाने चाहिए थे। तभी यहाँ टेस्ट ग्राउंड में हवा काफ़ी तेज चलने लगती है, जिससे सभी के बॉल्स उनके हाथ से छूट जाते हैं। और एक स्टूडेंट बोलता है, बस बॉल्स ही खींच रही हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि वो कॉर्क याओ राशि का होता है। और वो बोलता है, तहे हीरोज़ के पास पैशन होना चाहिए, सभी बहुत पैशनेट हैं, मुझे पैशन पसंद है। और वह आगे बोलता है, प्लीज़ मुझे भी पैशन फाइट ज्वाइन करने दो। और ये बोलकर वो उन सभी के छीने हुए बॉल को उन्हीं पर थ्रो करता है, जो एक के बाद एक कई स्टूडेंट्स को हिट होते हैं। और यहाँ मीरा मॉनिटर स्क्रीन को देखकर बोलता है, आखिरकार कोई पास हुआ। और वो हैरानी से बोलता है, क्या 120 बच्चे आउट हो गए? एक अकेला बच्चा 120 लोगों को हराकर पास हो गया। और यहाँ यारोशी बोलता है, ठीक है मैं जीत गया। और मीरा हैरानी से बोलता है, मैं काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ, मैं जग गया, ऐसा लगता है जैसे वो आते ही जा रहे हैं। सभी प्लीज़ अपना बेस्ट देना, जल्दी ख़त्म करना। और यहाँ मिडोरिया उठकर बोलता है, क्या कॉर्क है? लगता है जहाँ बिल्डिंग है वहाँ इसे यूज़ करने में मुश्किल होगी। और वो आगे बोलता है, अरे नहीं हम अलग हो गए, ये सिचुएशन कित्सु बित्सु का प्लान था, मुझे सभी को जल्दी ढूंढना होगा, अगर मैं खुद से लड़ा तो मैं गया, हमने ट्रेनिंग में अपना पूरा साल लगाया है, ये कुछ ऐसा नहीं है जो एक्सपीरियंस से आए। और तभी उसे आइजावा की बात याद आती है, पिछले साल याओ रोशी ने रिकमेंडेशन में टॉप किया था, मगर किसी कारण से उसने अपना एक्सेप्टेंस कैंसिल करवा दिया। और उसे याद करके मिडोरिया बोलता है, वो टॉप रिकमेंडेशन था, तो उसकी एबिलिटी तोदोरोकी के भी ऊपर है। और मिडोरिया उस समय को भी याद करता है जब शिंडो कात्सुकी से बोलता है, आज मैं तुमसे सीखते हुए अपना बेस्ट दूंगा। और मिडोरिया बोलता है, ताकतवर लोग पूरी कंट्री से आए हैं, मैं नहीं जानता मगर मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा हूँ। और वो ये बोल ही रहा होता है, तभी वहाँ उत्सुशीमी आकर एक बॉल से उसे हिट करती है। और मिडोरिया मन में बोलता है, ये कहाँ से आई? और उत्सुशीमी बोलती है, मैंने तुम्हें हिट किया, ये अच्छा नहीं हुआ, मगर ये अजीब है कि तुम मुसीबत में होने के बाद भी स्माइल कर रहे हो। और उसे देखकर मिडोरिया मन में बोलता है, ये शिकित्सु हाई स्कूल से है। और उत्सुशीमी बोलती है, तुम कूल हो। और दूसरी तरफ उचाको बोलती है, हमें ज़बरदस्ती अलग किया गया, कोई मर भी सकता था, अगर मैं दूसरों को आवाज़ देकर बुलाने की कोशिश करूं तो दूसरे स्कूल भी मुझे ढूंढ लेंगे और मैं टारगेट बन जाऊंगी, वो ज़्यादा दूर नहीं होंगे, किसी टीम के अगेंस्ट अकेले लड़ने से बचने के लिए मुझे दूसरों को ढूंढना होगा, इस समय मुझे शांत और चौकन्ने रहना होगा। और यहाँ मिडोरिया मन में बोलता है, जल्दी ही कित्सु बित्सु अकेडमी का यहाँ पूरा ग्रुप आ जाएगा, ये समय बात करने का नहीं है, मुझे पता है वो ये जानती है, क्या उसके टीममेट उसकी मदद करने के लिए आ रहे हैं और या वो बस कॉन्फिडेंट है? और तभी उत्सुशीमी मिडोरिया की तरफ पत्थर फेंकती है और वो डॉच कर लेता है। और उसके डॉच करते ही वो उस पर बॉल फेंकती है, जिसे मिडोरिया फिर से डॉच करते हुए बोलता है, मुझे ध्यान रखना होगा मैं पकड़ा ना जाऊं। और तभी वो देखता है कि उत्सुशीमी वहाँ नहीं होती और वह अचानक से उसके पीछे आकर बोलती है, मुझे बॉल से पंच करना है ना? और ये बोलकर वो उसे बॉल से हिट करने ही वाली होती है, तभी मिडोरिया उसे डॉच कर लेता है और उस पर काउंटर अटैक करने ही वाला होता है, मगर तभी वो देखता है कि वो फिर से गायब हो गई होती है। और तभी वो फिर से उसके पीछे आकर बोलती है, तुम्हें लगता है मेरा कॉर्क मुझे डिसअपियर कर रहा है? और मिडोरिया को पकड़कर नीचे गिरा देती है और बोलती है, मैं बस छुप रही थी, मैं अपने अपोनेंट के आँख और कान से बचकर निकल जाती हूँ, मैं एक ही सेकंड में अपने सांस को रोकती हूँ, माइंड को क्लियर करती हूँ और डिसअपियर हो जाती हूँ, सबसे मुश्किल पार्ट होता है माइंड को क्लियर करना। और मिडोरिया बोलता है, क्या शिकित्सु में ये सब सिखाते हैं? जिस पर उत्सुशीमी बोलती है, इसका ये ट्रिक है कि तुम्हें ट्रेनिंग को ट्रेनिंग की तरह नहीं सोचना चाहिए, हम दोनों ही एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, अब मेरी बारी, मुझे बताओ तुम हीरो क्यों बनना चाहते हो, ऑनर के लिए, प्राइड के लिए या फिर कुछ और, मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। तभी मिडोरिया अपने पावर का यूज़ करके उसकी पकड़ से छूट जाता है, मगर तभी वहाँ अचानक से ज़मीन के अंदर से हवा निकलती है और वहाँ एक स्टूडेंट आकर बोलता है, यहाँ शिकित्सु पहले से ही है, मुझे पसंद नहीं। और हम देखते हैं कि वहाँ कई सारे स्टूडेंट होते हैं और मिडोरिया उन्हें देखकर बोलता है, मैं इतनों से नहीं लड़ सकता, इतने बड़े ग्रुप में मैं टारगेट बन जाऊँगा। और वो सभी मिडोरिया को टारगेट करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं और मिडोरिया एक एक करके उन सभी को डॉच करने लगता है। तभी वहाँ उचाको पहुँचती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? यहाँ जल्दी आओ। और मिडोरिया डॉच करते हुए मन में बोलता है, इसका प्लान क्या है? और तभी एक स्टूडेंट उचाको पर अटैक करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। और डॉच करने के चक्कर में उचाको गिरने लगती है और एक स्टूडेंट बोलता है, मैं इसे आउट कर दूंगा। और ये बोलकर अपने हाथ को डिटैच करता है और मिडोरिया मन में बोलता है, पहले मैंने लड़ने का चुना और अपने हाथ को डिस्ट्रॉय करवा लिया, अगर मैंने इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया होता तो मैं काचान को बचा पाता, और अगर मैं काचान को बचा पाता तो ऑल माइट को ऑल फॉर वन से नहीं लड़ना पड़ता, उस समय जब मैं कोटा को प्रोटेक्ट करने में केपेबल था और उसे आइजावा के पास ले गया और विलन्स की तरफ जल्दी बढ़ा। और वो चाको को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हुए मन में आगे बोलता है, मैं अपने पैरों पर फोकस करूंगा क्योंकि मुझे वहां जल्दी पहुंचना है। और वो चाको को पकड़ लेता है, तभी एक स्टूडेंट उस पर बॉल फेंकता है और मिडोरिया मन में बोलता है, दूसरों को बचाने से पहले मुझे खुद का ध्यान रखना होगा।
और ये बोलकर वो एक किक मारता है जिसके फोर्स से सभी स्टूडेंट पीछे होने लगते हैं और वह इस मौके का फ़ायदा उठाकर उचाको को लेकर भागने लगता है। और उसे ऑल माइट की बात याद आती है, नहीं मुझे लगता है ये पहले से ही किसी स्टॉप गेट से ज़्यादा है, खास तौर पर प्रोविजनल लाइसेंस एग्ज़ाम के लिए। और प्रेजेंट में मिडोरिया बोलता है, मैंने डिसाइड कर लिया, जब तक मेरी पूरी बॉडी तैयार नहीं होती मैं वन फॉर ऑल को 100% पर यूज़ नहीं करूँगा, मगर तब तक मेरा आयरन सोल सुपर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और टोर स्पार्किंग बैक करेंगे जिससे मैं एक बार में दो हिट कर पाऊँगा। ये सपोर्ट आइटम मेरे पावर की कमी और पैरों की खिंचाई की भरपाई करेगा। मैं अपने पैरों को स्ट्रांग बनाऊँगा, मैं वो हीरो बनूँगा जो मेरा आइडियल है। और यहाँ मीरा फिर से नींद में बोलता है, तो हमें 30% भी मिल गया, ऐसा क्या, मगर अभी भी बहुत बाकी है, क्या तुम लोग प्लीज़ जल्दी कर सकते हो। और यहाँ उस ग्रुप में से एक बोलता है, यूए दौड़ने में काफ़ी फास्ट है, क्या वो छुपे हुए हैं। जिस पर दूसरा बोलता है, मुझे यकीन है वो आसपास ही होंगे, खैर मैं इसके बारे में पहले से ही सोच रहा था, मगर क्या ये इफेक्टिव नहीं है। और यहाँ मिडोरिया चट्टान के पीछे छुपकर बोलता है, क्या कोई हमें चेस कर रहा है। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि क्या उन्होंने गिव अप कर दिया होगा। और उचाको बोलती है, तुम्हारा थैंक्स और मुझे माफ़ करना कि मैंने गड़बड़ कर दी। जिस पर मिडोरिया बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और उचाको मिडोरिया को बॉल से हिट करने ही वाली होती है, तभी मिडोरिया उचाको के हाथों से बॉल फेंक देता है और पूछता है, तुम कौन हो, क्या तुम शिकित्सु में से हो। उरारा का अपने कॉर के साथ ट्रेंड है, मगर तुमने खतरे में भी अपने पावर को यूज़ नहीं किया और उसके ऊपर एनिमी के सामने बिना किसी प्लान के आ गई। ये वो उरारा का नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। जिस पर उचाको या कहीं युत्सुमी बोलती है, अगर तुमने नोटिस करने के बाद भी मुझे बचाया तो क्या इसका मतलब तुम मुझे यूज़ कर रहे थे। जिस पर मिडोरिया बोलता है, मैंने इतनी दूर का नहीं सोचा, मगर मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें बचाया, क्योंकि अगर तुम उरारा का नहीं हो तो तुम उड़ नहीं सकती थी और जिस तरह से तुम गिर रही थी तुम अपने कमर को इंजर्ड कर सकती थी। जिस पर युत्सुमी बोलती है, अच्छा तो तुमने मुझे इसलिए बचाया, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने बारे में और बताओ। और ये सुनकर मिडोरिया मन में बोलता है, क्या हम एग्ज़ाम के बाद में इसके बारे में बात कर सकते हैं। और युत्सुशिमी पूछती है, क्या तुमने किसी को बचाया है। और ये बोलकर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आने लगती है, तभी मिडोरिया बोलता है, रुको तुमने कपड़े नहीं पहने हैं, तुम नेकेड हो, प्लीज़ कुछ पहन लो। और युत्सुशिमी उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए बोलती है, जो मुझे करना है वो करने के बाद। और ये बोलकर वो उस पर अटैक करती है, जिसे मिडोरिया डॉच कर लेता है, मगर उसे गाल पर एक स्क्रैच लग जाता है। और मिडोरिया मन में बोलता है, ये करना क्या चाहती है। और वो उस पर दूसरा अटैक करने ही वाली होती है, तभी बीच में सीरो आ जाता है और उस पर अटैक करते हुए बोलता है, मिडोरिया तुम इस सिचुएशन में कैसे हो। तभी वहाँ रियल उचाको आती है और युत्सुशिमी पर अटैक करने ही वाली होती है, मगर वो उसे डॉच कर लेती है और बोलती है, चीज़ें अच्छे से ख़राब हो गई, मुझे तुमसे और बात करनी थी मगर इस तरह से ये इम्पॉसिबल है। और वह आगे बोलती है, उचाको उरारा का ये सच में तुम पर काफ़ी भरोसा करता है। और ये बोलकर वो जाने लगती है, तभी सीरो बोलता है, वापस आओ मोलेस्टर। और ये बोलकर वो उसके पीछे जाने ही वाला होता है, तभी मिडोरिया उसे रोक देता है और सीरो पूछता है, क्यों नहीं। जिस पर मिडोरिया बोलता है, ये शायद उसके कॉर के कारण, मगर उसने कपड़े नहीं पहने थे, ना ही टारगेट्स, वो शायद हमारे लिए दोबारा आएगी, हमारे पास बचे हुए समय और बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके पॉइंट्स लेना काफ़ी मुश्किल है। और उससे ज़्यादा तुम दोनों रियल हो, है ना। जिस पर सीरो पूछता है, तुम क्या बोल रहे हो मिडोरिया। जिस पर मिडोरिया बोलता है, वो लड़की उरारा का में ट्रांसफॉर्म होकर आई थी। और ये सुनकर उचाको शर्मा जाती है और सीरो पूछता है, क्या वो नेकेड थी मिडोरिया। और मिडोरिया पूछता है, तुम्हें इस बात की फिक्र है, उसने अपना कॉस्ट्यूम पहना था। और सीरो बोलता है, तो इस मोलेस्टर का कॉर्क है ट्रांसफॉर्म, बाकी स्कूल हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा क्या, और वो ये तक जानते हैं कि तुम और उरारा का अच्छे दोस्त हो। जिस पर मिडोरिया बोलता है, शायद ये इसलिए क्योंकि हम कैवेलरी बैटल के दौरान सेम टीम में थे। और वो आगे पूछता है, वैसे तुम दोनों ने मुझे कैसे ढूंढा। जिस पर सीरो बोलता है, मैंने फाइटिंग को देखा और उसकी तरफ भाग कर आया और रास्ते में मुझे उरारा का मिल गई। और उचाको बोलती है, मैं खुश हूँ कि मैं टाइम पर आ गई। और मिडोरिया बोलता है, थैंक्स। और उचाको बोलती है, हम तीन हो गए हैं, है ना। और सीरो बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम बाकियों को भी जल्दी ढूंढ लें। और मिडोरिया बोलता है, 30 लोगों ने पहले से ही टेस्ट को पास कर लिया है, हमें जल्दी करना होगा। और यहाँ दूसरी तरफ तोदोरोकी बोलता है, बाकी लोग 10 या ज़्यादा के ग्रुप में घूम रहे हैं, मैं पहले अटैक कर सकता हूँ, मगर ये अनॉइंग होगा अगर कोई ऐसा हुआ जिसका कॉल के अगेंस्ट मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ। आइडियली बाकी टीम एक दूसरे से लड़ेंगी और एक दूसरे के नंबर्स को कम कर देंगी। तभी मीरा बोलता है, चीज़ें काफ़ी जल्दी मूव कर रही हैं, अभी तक 52 लोगों ने टेस्ट पास कर लिया है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने 2 लोगों से ज़्यादा को आउट किया है, तो अब 230 फेल हो गए हैं और अब 54th person भी पास हो गया, अब आधे से भी कम बचे हैं। और ये सुनकर तोदोरोकी बोलता है, मैं बैठे नहीं रह सकता। और ये बोलकर वो आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसकी तरफ एक बॉल आती है जिसे वो जला देता है।
और हम देखते हैं कि वहाँ कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं और उनमें से एक बोलता है, तुम काफ़ी अच्छे हो, US स्पोर्ट्स फेस्टिवल के रनर अप से ये एक्सपेक्टेड ही है। तुम तोदोरोकी हो, मुझे विश्वास नहीं होता तुम अकेले घूम रहे हो, तुम तो कमाल के हो, तुम सच में काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। और दूसरा बोलता है, भले ही ये US से हो, अकेले घूमना खतरनाक है। और दूसरी बोलती है, तुम जानते हो ना, ये 1-on-10 है। जिस पर तोदोरोकी बोलता है, थैंक्स, तुमने मेरा ढूंढने का टाइम बचा लिया। और तभी वो तोदोरोकी पर अटैक करते हैं, जिसे वो अपने बर्फ़ के दीवार से रोक देता है और एक ही झटके में वो सभी के पैरों को जमा देता है। और वो पूछता है, तुम्हें यकीन है तुमने स्पोर्ट्स फेस्टिवल अच्छे से देखा था? जिस पर एक स्टूडेंट उस पर बोल्ट फेंकते हुए बोलता है, बिल्कुल। और अचानक से ही वो बोल्ट बड़ा हो जाता है, जिसे तोदोरोकी अपने बर्फ़ से रोक देता है और मन में बोलता है, क्वार्क जो चीज़ों को बड़ा कर सकता है, ऐसा क्या? तभी वो तोदोरोकी पर और चीज़ें फेंकते हुए बोलता है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। और तोदोरोकी भी उन्हें अपने बर्फ़ से रोकने लगता है और वो तोदोरोकी पर लगातार चीज़ें फेंकता रहता है, जिससे उसका बर्फ़ टूट जाता है। और वह एक और बोल्ट फेंकता है, जिस पर तोदोरोकी अपने फायर का यूज़ करता है, मगर उस बोल्ट को कुछ भी नहीं होता। और वो उसे डॉच करते हुए मन में बोलता है, भले ही मैं इसे मेल्ट नहीं कर पाया, मगर इसे कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। और वो स्टूडेंट अपने पैरों को बर्फ़ से फ्री करते हुए बोलता है, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी मेटल नहीं है, ये टंगस्टन से बना है जो सुपर हीट को भी झेल सकता है। और ये बोलकर वो सभी के भी पैरों को फ्री कर देता है और बोलता है, तोदोरोकी, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था, भले ही तुम UA के स्टूडेंट हो, मगर अकेले मूव करना तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो चला, अगर आपको वीडियो चला तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।